आला दर फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ले डोली उठान वाले चार मजदूरां दे करीब आए। आपने फरमाया मैनू सची दसिया जे तुहाडे चो सैयद केड़ा मजदूरां कोलों मजदूरी लई दी है बरादरियां नहीं पुछी दियां। आपने फरमाया जेड़ा भी सैयद है उन्हों मैं कसम देना उहदे नाने दी, मैनूं दस्सो सैयद कौन है। उह सैयद ने हाथ जोड़ लाए कहन लगा बड़ा गरीब ते माड़ा मजदूर हां, अज कई दिन होए बरेली ते बाजार च मजदूरी ले आ रहा, ए डोली वालियां दा इक मजदूर बीमार हो गया। उन्हां मैनूं आख्या दिहाड़ी लगानी है आज, मैं आख्या बच्चे भुखे रह रहे ने, मैं अज डोली उठा के मजदूरी कर लवा। आला हज़रत ने सैयद दे कदम फड़ ले, फरमाया मैनूं माफी दे दे, तैनूं तेरे नाने दा वास्ते माफी दे दे। हुण जिहड़ा इस तों उच्चा बोले अज रात सौवें ख्वाब च कमली वाला ही आ जावे ते तेरा की जांदा, जिहड़ा इस तों उच्चा बोले जाग दिया महफिल च उहनूं सोहणे दा दीदार नसीब फरमा। हुण काम इत्थे रख्या जे हजूर खतीबे पाकिस्तान भी ने ते खतीबे पाकिस्तान दे जानशीन भी ने, इन्हां दे सामने खिताब करना बिल्कुल बेमानी लफज मेरे वास्ते। मैं बस ये भी नहीं कह सकता मैं इतने बुजुर्गों को सबक सुनावन लगा, इतने भी औकात नहीं समझता, बस दीदार के काबिल ये कहां मेरी नज़र है, ये उनकी इनायत है कि रुख उनका इधर है। ये मेहरबानी करीमा दी कबूल फरमा लेन। गिरामी हजरा कदर हजरात सुनिए कुरान, अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबशिरा व नदीरा लितुमिनु बिललाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीरा। परवरदिगार ने फरमा कमली वाले तेनों शाहिद भी बनाया, मुबशिर भी बनाया, नजीर भी बनाया। अपने यार दिया शाना दस के अल्लाह ने फरमाया लितुमिनु बिल्लाह, लितुमिनु बिल्लाह व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु। यार ते ईमान भी लेके आंदे, ओ यार ते ईमान दे बाद तज़ीर भी करदे ने तकीर भी करदे। फरमाया पा तू सभी हो बुकरतों असीला, फरमाया फिर अल्लाह दियां तस्बीहां पढ़ देन। नौजवानों अल्लाह ने पहले ईमान फिर यार दी इज्जत फिर तस्बीह रखी, बड़े आला दर दे दौर च लोग आए जिन्ना ईमान दे बाद तस्बीहां ते जोर रखे आए उन्ना यार दी इज्जत बलदियां उन्ना दिता। आला दर ने कुरान दी रूह नाल दसिया फरमाया ईमान दे बाद तस्बीह नहीं, ईमान दे बाद मुहम्मद दी इज्जत है। फरमाया यार दी इज्जत करके तस्बीह पढ़ वेखी मजा आउंदा के नहीं। फरमाया ईमान दे बाद तस्बीह नहीं, ईमान दे बाद इज्जत है रसूल। जे बगैर इज्जत है रसूल दे तस्बीह पढ़े ना तेरा ईमान कबूल ते ना तेरी तस्बीह कबूल। मेरा दिल करदा मैं दा तर्जमा पहले पीरे बाहू को ना करवा के देवा, चलो तुसी नहीं बोले फिर कदे करवा लवांगे। थोड़ा होर हौला बोलो, बार आवाज नहीं जानी चाहिए, हाथ बिल्कुल नहीं चुकना मत किधर को शहीद ना हो जाए। जिदा खाइए ओदा गाइए, जिदी अम्मी ने दस के भेजा तू पलिया ही मुस्तफा दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। फिजामा गूंज जावन पूरा साल सुभान अल्लाह दी आवाज आवे, जेड़ा भी ज़ियारत करन आवे उन्हें पता लगे थे उर्स मुबारक होंदा नबी पाक दा जिक्र होंदा सुन्नी सुभान अल्लाह कह के जा देना। आरिफान दे सुल्तान उम्दतुल कामिलीन कुतबुल मुकम्मिलीन कुदवतु सालिकीन बुरहानुल वासिलीन हजरत सखी फनाफिल्ला मकाफी हु हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने एदा बड़ा ही मिठा जिहा तर्जमा फरमाया। आप इरशाद फरमा देने इलम पढ़िया जौहर नहीं बन दे जेड़े होवन जा
ते कमीने हो पितलो कदी सोना नहीं बन दा पावे चढ़िए लख नदीने हो शूम कोलो कदे दात नहीं मिल दी पावे हो मन लख खजीने हो बिना अदब न जात नहीं मेरा गाँव मिल बाहो पावे मरिए बिच मदीने बिना अदब न जात नहीं कामिल बाहो पावे मरिए बिच मदीने हूँ अदब नबी थी मोमिन हो में बे अदब सदाउन कमीने बावज अदब दे बख्शिश ना ही पावे मरिए बिच मदीने आला हजरत दे दौर बिच इलम वाले बड़े आए मगर इलम दी बिना ते बे अदबी वाले पैंडे पै गए आला हजरत फादले बरेलवी ने दसिया बिना अदब न जात नहीं बाहू पावे मरिए बिच मदीने फरमाया अदब पहले वतु सब भी हु बुकरतम व असीला फिर रात तस्बीहां पढ़ पावे दिने पढ़ पर पढ़ अदब दे नाल अदब दे बगैर तस्बीह पढ़े ते फिर तेरा इमाम ते तस्बीह दोनों कबूल कोई नहीं मेरी मिल्लत दे नौजवानों जिला उकाड़ा दे रहने वालों कुर्ब जवार तू तशरीफ लेके आने वालों आला हजरत फादले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दा नामे पाक अदब रसूल दा इस्तआरा बन गया आला हजरत दा नाम लईए ते नाल ही एक लफ्ज़ जरूर बोलिया जांदा कुश्ता इश्क रिसालत अदब दी दुनिया दा शहनशाह गिरामी कदर हजरात असी सुन्नी ऐसे अदब वाले ना आला हजरत दी निस्बत दी वजह तो असी उस सब्जी नु भी कद्दू शरीफ कहने आ जिहड़ी साडे माही नु पसंद आ जावे असी उन्हां दरख्तां दीआं छावां दा मदीने जाके अदब करके आउने आ जिन्हां दरख्तां दी छावां थले साडा माही आराम फरमा जावे असी अदब वाले हाँ क्योंकि आला हजरत वाले हाँ अज अहले सुन्नत व जमात अपने नाम नाल बरेल भी लिख के नाज कर दे बरेली दे ताजदार ने अहले सुन्नत व जमात नू अदब दी वजह तो सारे तो अलहदा ते मुनफरिद मुकाम लेके देता दरबारे रिसालत जो अदब दी वजह अदब अज आला हजरत दे अदब दे मैं चंद गोशे अर्ज करने उन्हें सिर्फ अदब रसूल ही नहीं किया जिस चीज की निस्बत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल हो गई आला हजरत ने ओदा भी अदब किया आला हजरत फादले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बरेली दे खानदान इल्मी खानवादे दे अंदर अक खोली आप दे वालिद गिरामी इमामुल मुतकल्लमीन और इमामुल मुतकल्लमीन हजरत मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दी कुतुब दा मुताला करके देखिए सुरूरुल कलूब बि ज़िक्रिल महबूब जदों मैं पढ़ी ना आला हजरत दे वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह दी किताब हजूर जदों अल्फाज दा चनाओ देखिया नबी पाक दे अदब दे वास्ते सफहात दे सफहात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अलकाबात ते लिख के ते नाम जाके 10-15 सफ़ियां दे बाद नबी पाक दा लिखिया अलकाबात उते कई कई सफ़े आला हज़रत दे वालिद गिरामी ने नबी पाक दे नामे मुबारक दे नाल लगाए ऐसा बाप होवे जिहड़ा रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ऐसा दीवाना ते आशिक होवे दादा जान ऐसे आशिक रसूल के इमामुल फुकहा इमामुल मुहद्दिसीन अपने दौरे पाक दे गिरामी कदर हजरात आला हजरत ने अख जड़े घर विच खोली उस घर के अंदर इलमी माहौल भी है ते अदब दा माहौल भी है अदब दा माहौल भी है बेअदबा मकसूद ना हासिल ते ना दरगाहे टोई बाज अदब दे मंजिल उत्ते पहुंच सके ना कोई जेड़ा भी मंजिल ते पहुंचया अदब दी वजह तो पहुंचया अदब है ते दीन है अदब चला जाए ते पल्यों दीन खत्म हो जाता है आला हजरत फादले बरेलवी ने इलम ते अदब दे घराने च अख खोली ऐसा अदब के जद नमाज पढ़ देना तवज्जो है तुहाडी सारयां दी भाई आला हजरत दे अदब दे चंद गोशे अर्ज करन लगा जद नमाज पढ़ देना आला हजरत ते वजू दी वारी आंदी है ते बार 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 वजू फरमा देने अहबाब ने अर्ज की हजूर वजू एक बार करना चाहिए तुसी बार बार वजू क्यों कर दियो पै दर पै वजू कर रहे हो आपने इरशाद फरमाया मैं इस वास्ते बार बार वजू करना किधर हजूर की को सुन्नत ही ना छुट जावे बार बार अदब गिलामी कदर दरा दाला दरा जब नमाज पढ़ देने तशहुद के अंदर बैठ देने
ते आ पढ़दे ने अत्तहियात लिल्लाह والصلوات والطيبات जितना भी अल्लाह करीम दी बारगाह विच अपनियां सारियां तस्बीहात सारियां तैयबात अर्ज करके जदों नबी करीम दी बारगाह दी बारी आउंदी है ते आप अर्ज करदे ने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी बार बार पढ़दे ने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी किसे ने कदे अर्ज कीती लजपाला सुनया है तुसी नबी करीम ते तशहुद विच बार बार सलाम भेज दे वजह की है आपने फरमाया मैं इस वास्ते बार बार सलाम कहना इन्नी देर मैं कहता रहा और एक दिन मदीने भी जवाब आ खबरे किस दिन मदीने भी जवाब आ जाए मेरे कन्ना च आवाज आवे नबी पाक फरमावन वालेक सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातु कदे सरकार वल भी सलाम दा मैनू जवाब सुनाई देवे वाह आला हजरत फादले बरेलवी इमामे अहले सुन्नत पर आला हजरत दे दौर च जेड़े बेअदब सन ओ समझदे सन के ए हद दी पार कर गए आला हजरत ने फरमाया चलियो मुहम्मद दे अदब दी भी कोई हद है इत्थे ते कुरान कहंदा वा अज़रु महबूबे ताज वाले दे सिर ते ताज नहीं सजदा गिरामी कदर हजरात आला हजरत फादले बरेलवी अदब दी दुनिया दा शहनशाह मस्जिद च इतकाफ बैठे ते वजू की जरूरत पै गई ते बारिश बड़ी तेज ते ख्याल आया जे मैं मस्जिद च वजू किया ते पानी का खतरा कोई जमीन ते गिर गया अदबी हो जानी है और जड़ी रजाई सी ना जड़ा लिहाफ सी उपर लैन वाला उदियां चार तहवा करके ते उदे उपर बैठ के वजू फरमाया कि पानी लिहाफ के अंदर जजब हो जाए ते पानी का एक कतरा भी मस्जिद के फर्श ते ना गिर जाए किधरे बेअदबी ना हो जाए अदब जितने तशरीफ फरमाओ हजूर शेखुल कुरान दे उर्स मुबारक दे तशरीफ लेके आने वाले हो जितने चेहरे पे देख दियो सुन्नी मामा दे पुत्रां दियां चमक दियां पेशानियां ए मां ते बाप ने ते मशायख ते उलमा ने सानू अदब रसूल सिखाया ना आने अदब वाले जिन्हां दियां पेशानियां चमक रही ते बेअदब अपने चेहरे तो पहचाने जाते ने अदब वाले भी चेहरे तो पहचाने जा रहे दिल करदा मैं फिर एक बारी ना पीरे बाहू रहमतुल्लाह अलैह दुआ कुलू तुहानु अदब ते बेअदबां दा ना अलहदा अलहदा वंड करके ना सुनावा उच्चा बोलो पीरे बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमा देने आ फरमा देने बे अदब की जान ना सारे अदब दी वांजे जड़े मुड़क दी मुझे छेड़े आही ओ कदी न थींदे कांजे ओ जड़े हवन मिट्टी दे पांडे ओ कदी न थींदे कांजे जद लोग कह रहे सन ना कि नमाज च नबी का ख्याल आवे तो नमाज नहीं आती आला हजरत उदो बार बार अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ के दस रहे वो चलिया जिदे च यार का ख्याल ना आवे वह तो होंदी नहीं मालिक मुख्तार नहीं उस वेले इज्जत रसूल ते हुरमत रसूल ते नमूसे रिसालत दी जदों पहरेदारी दा वेला आया आला हजरत ने फिर 1000 किताब 50 तो ज्यादा उलूम ते लिखियां हर किताब दे हर लफज दे विचों रसूले अरबी ते अदब पे टपकदा सी अदब टपकदा सी लोग आख्या मालिक ते मुख्तार नहीं जिदा नाम मुहम्मद ते अली होवे ते आला हजरत ने जवाब पला किवें दिता
ਪੜਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਕਲਮ ਦੀ ਨੋਕ ਬੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਲੇ ਇਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲੋ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਾਤੇ ਪਾਕ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ पर आला हजरत ने कदे उन्हां वल तकिया ही नहीं कोई जवाब दिता ही नहीं पर जदों किते आई ना नमूसे रिसालत दी वारी ते बाबे ने कलम नूं तलवार बना लिया बाबे ने कलम नूं तलवार बना लिया ते फरमाया मेरी जात ते जितनी तनकीद करनी है करो लोग आख्या आला हजरत नूं लोग तुहानूं बुरा बोलते ने आपने फरमा चंगा ही करते हैं हजूर क्यों आपने फरमा चलो जिनी देर मैनू बुरा बोलते ने उन्नी देर हजूर की बेअदबी ते नहीं ना करते फरमाया उन्नी देर मैनू बुरा बोलते ने उतनी देर हजूर की बेअदबी नहीं होती इस वास्ते आपने फरमाया सानू अपनी कबूले पर यार की बेअदबी ना को करे यार की गुस्ताखी ना करे आला हजरत ने जवाब किवें दिता आला हजरत फाजले बरेलवी ने फरमाया तू कहना जिदा नाम मुहम्मद होवे किसी चीज का मालिक ते मुख्तार नहीं आला हजरत फरमा देने बखुदा खुदा का यही हदर नहीं और कोई मफर मकर खुदा खुदा का यही हदर नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो जो यहाँ नहीं खुदा खुदा का यही हदर नहीं और कोई मफर मकर हुन उखाड़े बाल जिदे जिदे सीने च जिन्ना इश्क रसूल हाथ खड़ा करके मेरे नाल से बात दावा कर जिन्नू लगदा मैं कमाई ते पलना हाथ नहीं मैं रखे जिन्नू लगदा मेरा लंगर मदीने आंदा हाथ खड़ा करके मेरे नाल पड़े कि बखुदा खुदा का यही हदर नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं जो वहाँ से हो यही आके हो जो यहाँ नहीं तो वहाँ अपने परमा तू कहना नबी देंदा कुछ नहीं मालिक ते मुख्तार नहीं जब कौन है दिवाली ने लाने नबूवत की ना ते कुफारे मक्का दे चौधरी आए कह लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लगे कि लड़ाई झगड़ा कदा करना आजा रल मिल के कम चला लीए कदे कदे असी तेरे खुदा की इबादत कर लवेंगे कदे कदे तू साडे बुतां की पूजा कर लिया कर आजा रल मिल के कम चलाइए मेरे नबी दी अखां च अथरू ते अल्लाह ने फरमाया लकुम दीनुकुम वली दीन फरमा महबूब कह दो तुहाडा दीन तुहाडे वास्ते ते साडा दीन साडे वास्ते नबी पाक रो के अर्ज की थी अल्लाह ए मेरे अंग साख रिश्तेदार आए ने तेरा ते मेरा ताल्लुक ते रिश्ता तोड़न आए ने पर मैनू तेरी इज्जत ते जलाल दी कसम है मौला जेड़ा तेरा नहीं ना जेड़ा तेरा नहीं ओ मुहम्मद दे बूए बैठा मुहम्मद दा छक्का चाचा अबू लहब ही होवे मेरा लगदा ही कुछ नहीं तू आवाज आई सुनिया जे तू मेरे पीछे अपने छड्डा लगाए फिर मैनू भी तेरी वल लैल जुल्फा च खेडन वाले हामीम दे कुंडलों की कसम है एक लत ते खलो के सारी रात कुरान पढ़ता रवे जेड़ा तेरा नहीं बनन लगा असी भी कदू अपना बना लगे हाँ इस जिमन चल हजरत फरमा देने बखुदा खुदा का यही है दर वलो अन्नहुम इज़्ज़लमु अन्फुसहुम जाऊक फरमा देने बखुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो जो यहाँ नहीं तो वहा नहीं आला हजरत वाद फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने चार साल की उम्र मुबारक नाजरा कुरान पढ़ लिया चार साल के साढ़े बच्चे गल्लां करनिया नहीं आउंदियां उन्होंने नाजरा कुरान मजीद पढ़ लिया एक दिन किसी ने आप दे नाम नाल हाफिज लिख दिता हाफिज आला हजरत नूं ख्याल आया मैं हाफिज नहीं मगर लोग गुमान करते ने मैं हाफिज हाँ तो आपने फरमाया किधरे लोगों के गुमान गलत ना होवन आपने कुरान मजीद हिफज करना शुरू किया
एक महीने च पूरा कुरान पाक हिफज कर लिया। ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੂਰਾ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹਿਫਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖ ਲੋਗੇ? ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਨਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਐਸਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। आपने सारिया सलाहियतां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन वास्ते वक्फ कर दित्तियां। जदों मुर्शिद कामिल दी बारगाह च लैके आप दे वालिद की गिरामी गए ना, मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह हजरत आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह दी बारगाह अकदस दे अंदर सैयदां दी बारगाह च लैके गए ना, ते जाके अर्ज कीती हजूर मैं अहमद रजा अपने पुत्र नूं लैके आया, इहनूं गुलामी च कबूल करो। साइयां ने बैत करके ना ते नाल ही बाप ते पुत्र दोनों नूं खिलाफत दे दित्ती। ते आपने फरमाया जाओ अज तो बाद तुसी ना तसव्वुफ दे बादशाह हो, जाओ जाके लोगों के दिल दी तस्कीना करो ते लोगों के कल्ब की सफाई करो। दोवें बाप ते पुत्र खिलाफत लैके टुरे ते पुराने मुरीदा ते आप दे भतीजे हजरत सैयद आले रसूल रहमतुल्लाह अलैह दे भतीजा ने अर्ज की, हजूर तुहाडे ते इस आस्थाने का यह असूल है कि बड़ी रियाजत ते मुजाहदा करा के फिर तुसी खिलाफत देंदे हो। ये बाप ते पुत्र आए ते आउंदी खिलाफत दे दी। हजूर ना कोई मुजाहदा, ना कोई इन्हों वजायफ देते, ना को तुसा इन्हों को मरियाजात कराई, हजूर ते इन्हों आउंदी खिलाफत दे दी। आपने इरशाद फरमाया लोग आउंदे ने गंदे दिल लैके ते भांडा साफ करके फिर उन्होंने लंगर दई दे, भांडा ही साफ लैके आए सन। फयाम फरमाया बर्तन ही साफ लैके आए सन। और मैं किताब मैं कल हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह दे उर्स मुबारक ते बयान कर रहा, हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह दे मुर्शिद कामिल हजरत साई अनायत शाह रहमतुल्लाह अलैह आराई सन ना, ते उन्होंने भी हजरत बाबा बुल्ले शाह जो गए ना ते आपने पहले दिन ही खिलाफत दे दी। ते पुराने मुरीद ने अर्ज की सानू इन्हें देर हो गए खिदमत कर दिया, ये बुल्ले शाह अज आया तेन पहले दिन खिलाफत दे दी। आपने फरमाया तुसी गिलियां लकड़ियां हो, ओ खुश्क लकड़ी है ते गिली लकड़ी नू अग बाद च लगदी है, खुश्क नू जरा जल्दी लग जांदी है। फरमाया खुश्क लकड़ी दी मिसाल हो। फरमाया बुल्ले शाह ने इस वास्ते खिलाफत दी थी, खुश्क लकड़ी लेके आया। ते आला हजरत दे मुर्शिद कामिल ने फरमाया तुसी बर्तन गंदे लेके आउंदे हो, पहले उन्हां नू साफ करना पैंदा है। ये बाप ते पुत्र दोवें दिल दा बर्तन साफ लेके आए, इस वास्ते मैं इन्हां नू लंगर अता कर दिता जिहड़ा बारगाह रिसालत च मिलिया। ग्रामी को हजरत मुर्शिद कामिल जेड़े वेले खिलाफत दे के टुरिया आला हजरत दी पुश्त मुबारक बैं के फरमान लगे, फरमान लगे सारी जिंदगी फिकर सी कयामत नो अल्लाह ने पूछना आले रसूल की लेके आए, मैं की जवाब देवांगा। फरमाया ए बच्चा मेरा मुरीद बन के जा रहा, मेरा खलीफा बन के जा रहा, हुन मैनू ना दे। अल्लाह ने पूछना आले रसूल की लेके आए, आखांगा रब्बा अहमद रजा लेके आया। मौलाना मुहम्मद इकबाल साहब अल्लाह ताला अपनी उम्र खिज़री अता फरमाए, आप दा साया अहले सुन्नत व जमात हमेशा सलामत रखे, सारी जिंदगी रसूलुल्लाह दे नाम दे हौके दित्ते, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खास निगाहें अनायत च रखन हमेशा। ग्रामी कदर हजरात आला हजरत फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह रसूलुल्लाह दी हर निस्बत दा अदब करदे सन, पर जो कोई आ जांदा सी ना आले रसूल ते नस्ले रसूल ते खूने बतूल ते कोई नबी पाक दा पुत्र, फिर ते आला हजरत दा अदब वेखण वाला। आला हजरत फरमांदे ने 6 साल की उम्र च मैनूं पता लग्गिया कि बगदाद शरीफ किधर है। आप इरशाद फरमाते ने 6 साल तो लैके ते अपनी सारी हयात तैयबा आपने बगदाद शरीफ वल मदीना शरीफ वल ते मक्का शरीफ वल कदे पाँव फैला के नहीं बैठे, किधरे यार दी बेअदबी ना हो जाए। हजरत मुहद्दिस कछोछवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने जदों आला हजरत की बारगाह च मैं हाजिर होया ते आपने मैनू मसनद
फतावा दे उत्ते बिठाया ना ते आप फरमाते ने पहले आपने मैनू बिठा के ते 11 रुपए की शरीनी मंगवा के ना ते उदे ते खत्मे गौसिया पढ़िया पढ़ के ते दुआ फरमा के जदों मुंह ते हाथ फेरिया ना ते थोड़ी जी शरीनी पकड़ के मेरे मुँह च डाली ते मुँह च डाल के ते बाकी फरमाते ने शरीनी तकसीम करो। आप फरमाते ने मैं देखा कि लोग शरीनी तकसीम कर रहे, अचानक आला हजरत उठ के खड़े हो गए। आप बल वे के सारे लोग अदबन उठ के खलो गए कि आला हजरत किसी काम की गरज ना किधरे जा रहे ने, मगर आला हजरत जमीन ते लेट गए। आप फरमाते ने असी सारे हैरान रह गए। मुहद्दिस कुछ भी फरमाते ने आला हजरत ने अपनी जुबान मुबारक बाहर निकाली ते अपनी जुबान दे नाल जमीन ते एक छोटा जा टुकड़ा गौसे पाक दी शरीनी दा जमीन ते गिर गया। अपनी जुबान दी नोक नाल आपने उन्हों उठाया ते उठ के फरमान लगे लोग अदब ही नहीं करते मेरे गौस पाक दा लंगर अदब। आला हजरत दी नजर च अदब देखो लेट के आला हजरत ने फाजल बरेलवी ने आला गौसे पाक दे लंगर दे छोटे जे टुकड़े नु जुबान दी नोक नाल उठाया। मुहद्दिस कछोछवी रहमतुल्लाह अलैह हैरान रह गए। आले रसूल दा अदब फिर किवें कर दे। उलमा तशरीफ फरमाने में ना बस्ता बरदार ते गुलाम हो दी हसीयत नर्द करना। आला हजरत नु किसी ने पूछा जे सैयद ज्यादा किसी काजी की अदालत च किसी जुर्म च हाजिर कर दिता जावे ते काजी ते जरूरी हो जाए कोई जुर्म साबित हो गया सैयद दादे दा ते सजा भी देनी है हद भी मुकर्रर करनी है ते काजी की करे। आपने फरमाया काजी सजा दे के ना शरई तौर ते ए ना समझे मैं सैयद नु सजा दिती है बल्कि ए समझे शहजादे दे पैर नु गंदगी लग गई मैं उस साफ कीती। फरमाया काजी ये समझे कि शहजादे दे पैर नु गंदगी लगी मैं साफ कीती। आला हजरत फाजल बरेलवी दा अदब। लोगों ने जदों रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान मुबारक ते बहतान तरादी की थी ना ते हजरत पढ़ रहे सन मेरा दिल करदा कि ना पढ़िए ते सारे मदरा मदारस दे अंदर हर आले सुन्नत व जमात दे मदरसे दे अंदर खाओ शोभा हिफ्ज होवे खा शोभा कुतुब होवे। सवेरे एक कलाम पढ़िया जांदा फजर तो बाद सबसे औला व आला भाई इंज ते नहीं ना सबसे औला व आला। अच्छा किदा किदा दिल करदा मैं जो कयामत नूं उठां ते मेरा नाम नबी पाक दे नात खाना च लिखिया होवे वह बंदा हाथ खड़ा करे हाथ इत्थे रखियो मैं वेखना किन्ने नहीं खड़ा कीता भरा नीचे कर लो तुहाडी शफकत ते मेहरबानी। मैं खादिमा मगर मैं पता क्यों हाथ खड़े कराए मैनूं हज़रत जी एक माई याद आई वो मिसर दी गली सी ना ते रश बड़ा ते माई पई जावे ते सब सब माई आखे वे मुंडियो हटो वे बचो वे रस्ता दियो। एक मुंडे पूछा माई किधर आ रही कहन लगे सुनया यूसुफ पिया वेखदा है आखे वेखदा पर तू किधर कहन लगी मां भी खरीदन आई हां ते मुंडा मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी दी जुबान च बोल के कहन लगा शाह मिसर दा कुल खजाना ते तुल गई दौलत सारी अजे भी पल्ला यूसुफ वाला दिसदा पिया भारी। उन्हें आख्या अम्मा मैं वेख के आया कि रश बड़ा ते तरकड़ी ते तराजू लगे आए एक पलड़े च यूसुफ ते एक पलड़े च अजीज़े मिस्र दा कुल खजाना रखा गया है ते खजाना खत्म हो गया तो यूसुफ दा पल्ला अजे भी भारी है क्योंकि नबी नाल कौन तुले। ते मुंडा कहन लगा माई जे तू आ गई है ते कादे तू खरीदेगी। माई कहन लगी मैं ऐलान सुन के आई हाँ यूसुफ उन्हों मिलना है जिहड़ा सारी दौलत लैके आवेगा ते मैं सारी लै आई हाँ। मुंडे पुछया अम्मा तेरी सारी दौलत है किन्नी ते कहन लगी पुत्र मैं 12 सिर सूतर दियां अट्टियां कट के मैं सारिया लै आई हाँ। उन्हें आख्या अम्मा यूसुफ को सूतर दिया अट्ठिया ते वेखदा है ते माई रो के कहन लगी यूसुफ ते अट्ठिया ते नहीं वेखदा पर मैं इस तो आई हाँ जो कयामत नूं यूसुफ के खरीदारा की लिस्ट बनेगी ना जिथे खजाने वालों का ना आएगा विच अट्ठिया वालों का ना भी आएगा। मैं इस तो हाथ खड़े कराए ने कि हाथ खड़े करो मैं वेखा किने नबी पाक की नात पढ़नी है कयामत में जदों नबी पाक के नात खाना की लिस्ट बनेगी ना जिथे इन्हों सारे बजुर्गों का ना होना है तो उत्ते हजरत हसान बिन साबित का ना लिखा होना है बिच साडा किधरे अट्टियां वालों का ना ही लिखा ही होगा। हुण रल के पढ़िए नबी पाक की नात जिहड़ी आला हजरत फाज़िले बरेलवी लिखी ते आला हजरत फाज़िले बरेलवी फरमाते ने सबसे आला आला उन जिन जिन अपने नबी दामतियों ते नाते तुम्हें हाथ खड़े कर लवो नाले लहरा के मेरे नाल पढ़ो सबसे ओला आला हमारा नबी ए हमारा नबी सबसे बाला बाला हमारा नबी
ਤੇ ਆਦਮ ਸਫੀਉੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੂਨ ਨਜੀਉੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸਮਾਈਲ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਊਦ ਖਲੀਫਤੁੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਬੀਉੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਈਸਾ ਰੂਹੁੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਭ ਸੇ ਆਲਾ ਆਲਾ ਲਜਪਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਹਿਬੇ ਉਰਸ ਕਿ ਇਹ ਨਾਤ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹਸ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਕਾੜਵੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ੈਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਸ਼ੈਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਆਸੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੇ ਅਕਸਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ कि मैं वैसे सुने बचपन तो अपने बुजुर्ग को दो शख्सियात नाम ना लफज़े शैखुल कुरान बड़ा सोहना लगता है एक मौलाना गुलाम अली ओकाड़वी एक शैखुल कुरान हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हजारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह दोनों की शख्सियात ना लफज़े शैखुल कुरान बड़ा हसीन लगता है माशाल्लाह और साजदा भी है इन दो शख्सियात के नाल तो हजूर शैखुल कुरान ने जो सबक पढ़ाया ओकाड़े वाले तुहानू तो याद होना चाहिए ना फरमाते ने कबर ते हशर के अंदर असा यह नात पढ़नी है जिन्हें जिन्होंने याद है खड़ा करे हाथ में हो सकता है किसी बेली दे ज़हन च ख्याल आ जाए असी साहब हर गल ते हाथ क्यों खड़े करा रहे हो तो मैं आप ही जवाब दे जावां भाई उलमा तशरीफ फरमाने अल्लाह कुरान मजीद च फरमांदा अल यौम नख्तिमु अला अफवाह हिम्मत कल्लिमुना अईदीहिम अल्लाह फरमांदा कयामत नु ज़ुबानां बंद हो जाणगियां हाथ बोलणगे मेरा जी करदा जदों कयामत नु अल्लाह मेरे तेरे हाथ नु पुछे ना की करदा सी ते हाथ ए ना आखी अल्लाह दुध च पानी पांदा सी पठे बगाने वड़ लैंदा सी हाथ आखे या अल्लाह माफ कर दे जो भी करदा सी जदों तेरे माही दा नाम आउंदा सी मैं ऊचा हो के सुभान अल्लाह इस हाथ नु बख्शे दा वसीला बनाओ सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए सबसे आला हमारा नबी ए हमारा नबी सबसे वाला हमारा नबी सबसे आला आला हमारा नबी आला दर सुनिया नु अकीदा सिखा के फरमा देने खल्क से औलिया औलिया से रसूल ए खल्क से आए औलिया औलिया ए औलिया से रसूल और सब रसूल आला हमारा नबी आला हज़रत फरमा देने मुल्क को नैन में अंबिया ताजदार ए मुल्क को नैन में अंबिया ए अंबिया ताजदार पर ताजदारों का आका हमारा नबी ए सबसे आला आवाज सुनिए ऊंचा बोल के पढ़ा जे सबसे जेड़ा कमाई ते पलदा छिप रवे जिदा लंगर मदीने ते बरासता हुंदा ओ पढ़े सबसे या अल्लाह जेड़ा इस ऊंचा बोलिया जो सगीरा कबीरा गुनाह माफ करा के जावे सबसे उन जड़ा इस तू उचा बोले पंज वक्त दा बा जमात नमाजी हो जाए सबसे ए हमारा नबी और सबसे वाला हमारा नबी सौखा जाके दे दिता सबसे औला वाला बोलो सबसे औला वाला इंज नहीं हाथ चुके नारा मार के कहो सबसे औला वाला जिदा खाइए फिर
कहो ना सबसे औला आला हमारा नबी आला हजरत ने इको मिसरे ची सारे अकीदे बयान कर दिए सबसे औला वाला। कोई ये ना समझे कि खबरें इलमी मुकामी सी, बाद ने लिखिया पंजा, पंजा ने लिखिया 59, बाद ने लिखिया 70 उलूम ते माहिर सन, बेशुमार सन, मगर कोई ये ना समझे कि खबरें इलमी मुकामी सी। तसव्वुफ अहले दिल अहले तरीकत खबरें इन्हां दी दुनिया विच आला हजरत तो कोई मुकाम नहीं। मैं कोई छोटी जी गल अर्ज करना, बस छोटी सारी। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दा मजज़ीब जिहड़े मजज़ूब बुजुर्ग होंदे ना, उन्हां दे नाल बड़ा मुहब्बत ते बड़ा प्यार ते बड़ा गहरा रिश्ता सी। आला हजरत दा मजज़ीब दे नाल जिहड़ा ताल्लुक सी ना, उहदे ते बाकायदा अलहदा कुतुब लिखिया गईआं। उहदे च मैं इक दो वाक्य आप अहबाब दी खिदमत च गोश गुजार करना, ताकि आला हजरत दा इल्मे तसव्वुफ और मुकामे रूहानियत की सी वह भी मर्ज कर दे मैं तेरे नाल। आला हजरत मजज़ूबा की तारीफ करते हैं, पहले तो फरमा देना, आप फरमा देने के साडे अहमदपुर के अंदर एक अल्लाह के वली मजज़ूब वली सन, उन्होंने नाम से हजरत सैयदी मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह। आला हजरत फरमा देने कि हर वेले ना औरतों वाला लिबास पहनते सन, मगर एदा ए मतलब नहीं कि किसी मजज़ूब की हरकत वेख के मैं तो तुसी भी वह हरकत करिए। आला हजरत ने आखिर ते जाके एक जुमला लिखे है, आप फरमाते ने मजज़ूब की हरकत तहकीक है और मजज़ूब की तकलीद आप फरमाते ने वह जंदीक है। मजज़ूब की तकलीद नहीं करनी, वह अपनी तहकीक से जायज है। चूड़ियां पहन के रखते सन, आप फरमाते ने कि नमाज भी नहीं सन ज़ाहरी तौर पर पढ़ते। एक दिन अहमदाबाद बारिश की वजह ना होने की वजह तो लोग तंग आ गए, तो लोग हजरत सैयद मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह अर्ज की, हजूर दुआ करो बारिश आ जाए। आपने फरमाया मैं कोई बारिश के काबिल हाँ, मैं कोई बारिश पौन के काबिल हाँ, मैं क्यों दुआ करा, मैं कोई दुआ के काबिल हाँ। लोगों ने जो मिन्नत समाजत की रोन लग पे ना, तो हजरत सैयद मूसा सुहाग ने आला हजरत फरमाते ने इस तरह करके चूड़ियाँ सामने कीतियाँ, तो एक पत्थर इस हाथ पकड़ के ना, तो इस तरह करके फरमाते ने आसमान वाल वे के फरमाते ने या तो बारिश भेजो या सुहाग वापस ला लो, या बारिश भेजो या सुहाग वापस ला लो। आला हजरत फरमाते ने छम छम बारिश आ गई। आला हजरत फाजिले बरेलवी नाल वध के मजाज़ीब नूं कौन समझे। आप फरमाते ने कि साडे बुजुर्ग सन, उन्हां दा नां सी चुप शाह, हर वक्त चुप रहिंदे सन, मजज़ूब वली सन, किसे नाल गल नहीं सन करदे। एक दिन आला हजरत दे वालिद गिरामी फरमाते ने बेटा उन्हां नूं मिलन नहीं जाना, क्योंकि बुजुर्ग मना फरमाते ने मजाज़ीब नूं जाके ना मिलिया करो, ना मिलो, इन्हां दे कुरब ना पाओ, क्योंकि पता नहीं वो किहड़ी हालत च किहड़ी गल कर देन, ते अल्लाह ने ते उन्हां दी टालनी नहीं। आला हजरत के वालिद ने फरमा बेटा, आप फरमाते ने मैं इजाजत मंगी पर बाबा जी ने इजाजत ना दी। आप फरमाते ने 11 बजे रात एक दिन मेरे दिल ने बहुत तंग किया कि मैं हजरत चुप शाह रहमतुल्लाह अलैह नूं मिल के आवां, जियारत करके आवां। आप फरमाते ने मैं रात 11 बजे गया, तो मैं बड़ी देर तक उन्होंने सामने बैठा रहा, तो 15-20 मिनट तक फरमाते ने मेरे वल वेख दे रहे वेख दे रहे, तो मेरे मत्थे वल वेख के फरमान लगे तू किहदा पुत्र है। मैं अर्ज की हजूर मैं मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह दा बेटा वाँ, तो हजरत रज़ाक अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह दा पोता वाँ। तो आप फरमाते ने तेरे मत्थे दा नूर ही पिया दसदा सी कि किसे चंगे दरख्त दा फल है, किसे चंगे दरख्त दा फल है। आ फरमाते ने मैं एक मजज़ूब नूं मिलन वास्ते गया। आला हजरत मजज़ीब कोल बड़ा जाते सन, मैं किताबों के अंदर बड़े सारे वाकयात इस तरह के पढ़े आला हजरत दे। आ फरमाते ने कि हर वक्त बेलिबास रहते सन, सितर सिर्फ सतर नूं डांप के रखते सन। जदों आला हजरत की डोली टुरी ना उन्होंने आस्थाने वाल, तो उन्होंने तीन बारी उची आवाज ना फरमाया कोई है कोई है कोई है। एक गुलाम दौड़ के आया, तो अर्ज की हजूर हुक्म होवे, फरमाया जल्दी जल्दी लिबास दो, एक मर्द कामिल मिलन आ रहा है, जल्दी जल्दी मैंने लिबास पहना दिया कि मर्दे कामिल आ रहे हैं। जब तक आला हजरत बैठे रहे उन्हें लिबास पहनिया, तो अदब के नाल आला हजरत की बारगाह च बैठे रहे। आला हजरत फिर जब वापस चले गए, फिर अपनी दोबारा पहले वाली हालत आ गए। आला हजरत रूहानी मुकाम देखो, और गारा ग्रामी कदर हजरात जिन उलमा ने आला हजरत की जिंदगियों का मुताला किया, मैं तो इन्हें चीज़ आना, मैं तो इन्हों उलमा का कश बरदार बस्ता बरदार हाँ। आला हजरत की जो मैं रूहानीयत मुकाम से आप दी कुतब का मुताला किया, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने रूहानीयत के अंदर जड़े जड़े आपने गौहर रोले,
बरेली शरीफ का शहर है। एक मुसाफिर गुजरिया बरेली की गली उन्हें वेख्या कि लोग बच्चे ना झंडियां लगा रहे थे, लाइटिंग कर रहे, कनातां ते तंबू लगा रहे थे, बच्चे दरियां बिछा रहे, स्टेज बना रहे। कोई एक बच्चा इधरों नारा लगा के जा रहा, उधरों कुछ बच्चों का जलूस आ रहा, नारे लगा दे जा रहे। उस मुसाफिर ने वेखिया कि इस मुहल्ले के अंदर बड़ा गहमा गहमी है, बड़ा रश है। उन्हें किसी ने पूछा कि अज तुहाडे मुहल्ले की है? उन्हें आख्या जे साडे मुहल्ले नबी पाक दा मिलाद है। उन्हें मुसाफिर ने पूछा अच्छा ते कौन खिताब करन आ रहे? मुहल्ले वाले ने आख्या कि अज साडे महफिल मिलाद च खिताब इमामुल अइमा, कुश्ता इश्क रिसालत, इमाम अहले सुन्नत, किश्वरे इल्म फन दा माहिर, हजरत सैयदी अहमद रजा खान फाजले बरेलवी, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दा खिताबे जिशान अज साडे मोहल्ले। उस गुजरन वाले ने गुजरदिया सोचिया कि मैं गुजरते जाना है ते होवे ना थोड़ी देर ठहर जावा ते आला हजरत की जियारत भी हो जाएगी ते खिताब भी सुन लवेंगे। वह थोड़ी देर वास्ते ठहर गया। जब असर की नमाज का वेला आया ना तो मोहल्ले वाले एक डोली तैयार की। उस डोली में चार लोगों ने कंधिया से उठाया तो पूछया डोली कितने जा रही? लोग आख्या कि आला हजरत मोहल्ले तो डोली च बिठा के लियावांगे। वेख आलमे दीन दा फखर ते नाज, अज ते आलमे दीन दा कदर दी गल आ जाए ना। मौलवी चंगा सूट पा ले, चंगी गड्डी लै ले, ते पिंड दे बंदे पता की कहंदे ने, ए मौलवी जदों दा साडे पिंड आया ना ए फिट गया। हुण मौलवियां दी गल आई है, हुण नहीं तुसां बोलना। पर सच्ची दसां चौधरी की कोठी वेख के मौलवी नूं ख्याल ना आवे कदे मैं भी चौधरी हुंदा। मौलवी की कोठी वेख के चौधरी नूं ख्याल आवे कदे मैं भी मौलवी हुंदा, मैं भी कदे नबी दे दीन दा खादिम हुंदा। हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह, सोने दे तिल्ले वाला खुसा पहनदे सन। किसी ने अर्ज की, हजूर तुम सैयद हो, आलिम हो, पीर हो, वली हो, तो हजूर सोने के तिले वाला खुसा क्यों पहन दो? फरमाया मैं पीर ही नहीं, मैं आलिम भी हाँ। जेड़ा वेखे मेरी जुत्ती वाली वेखे, मेरे चेहरे वाल वेखन की जरूरत ही ना करे। उलमा की वजाहत। इमामे अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जरा सूट पहनते सन ना, वक्त के बादशाह नसीब नहीं सी आता। गौसे पाक की पगड़ी चोर चुरावन आया तो क्यों? वह कीमती सी तो चुरावन आया ना। ग्रामी कदर हजरात, हजरत इमामे मालिक रहमतुल्लाह अलैह जिहड़ा लिबास पहनते सन, बादशाह तरसदे सन उस लिबास वास्ते भी। उलमा दी वजाहत ऐसी थी। तुसां हजूर शेखुल कुरान की जियारत की थी। मैं तस्वीरां आप दियां देखियां, क्या आलिमाना वजाहत है चेहरे ते। मैं परसों तकरीर कर रहा सा, हजरत मुहद्दस कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला कादरी रहमतुल्लाह अलैह अशरफी दे उर्स मुबारक ते, मैं आपके साहबजादा मुफ्ती हामिद अली कादरी साहब अशरफी नो आख्या जी मैंने तस्वीर बाबा जी की दिखाओ। हर साल मैं आना, मैंने जियारत की, बिल्कुल ऐन एक जैसी, बिल्कुल सूरत मुबारक। मौलाना गुलाम अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह दी उस दौर दे सारे उलमा दी वजाहत चेहरे दी आ देखो। मेरे दाई भाई बैठे तशरीफ फरमा, चेहरे दे हुसन ते वजाहत देखो। नौजवान ने सोचा कि आला हजरत को लैन वास्ते डोली च लोग जा रहे हैं जलूस की शक्ल च, तो मैं भी ना जावा तो आला हजरत का इस्तकबाल करके आवा। नौजवान जब आला हजरत के दर अकदस से डोली पहुंच गई ना, थोड़ी देर इंतजार के बाद जब आला हजरत आए, जुब्बा मुबारक पहन के, दस्तार मुबारक पहन के, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनत वाली आलिमाना वजाहत ना जब बाहर आए ना, उस मुसाफिर ने वेखा थे बहुत प्यारे आलिम दीन ने, चेहरे से आलिमाना फाजिलाना वजाहत, औलिया अल्लाह वाला हुसन ते नूर है। इजार उज़ुकिर अल्लाह, इन्हों वेख्या खुदा याद आता है। अज तो मैं इन्हों का बयान सुन के जावगा। आला हजरत फाजिले बरेलवी जो डोली च बैठे ना, तो चार डोली उठाने वाले मजदूर जो कंधे डोली उठाई, लोग नारे रिसालत लगाते, आला हजरत की डोली के नाल जलूस की शक्ल जा रहे। अचानक डोली चो आला हजरत की आवाज आई, आपने फरमा जल्दी करो डोली नीचे उतारो, जल्दी करो डोली नीचे उतारो। सारे कुहार जड़े सन उन्हें डोली जो नीचे उतारी ना, आला हज़रत फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह डोली उठाने वाले चार मजदूरों के करीब आए। आपने फरमाया मैंने सच्ची दसिया जे तुहाडे च सैयद केड़ा है? उन्हें चौहान ने आख्या बाबा जी क्यों बेबछदे हो? फरमाया मैं जदों डोली च बैठा मैनू मुहम्मद खून की खुशबू आई है, इंज
लगता जिमें थोड़े बिचों एक सैयद ज्यादा आए वो जरा सैयद से रोन लग पे उन्हें आख्या बाबा जी मजदूर को मजदूरी ले दी है बरादरिया नहीं पूछी दी आपने फरमाया जेड़ा भी सैयद है उन्होंने मैं कसम देना वे नाने दी मैं दसो सैयद कौन है उस सैयद ने हाथ जोड़ लाए कह लगा बड़ा गरीब ते माड़ा मजदूर अज कई दिन हो बरेली बाजार च मजदूरी ले आ रहे हैं एक डोली वाले का एक मजदूर बीमार हो गया उन्हें मैनु आख्या दिहाड़ी लगानी है आज मैं आख्या बच्चे भुखे रह रहे नहीं मैं अज डोली उठा के मजदूरी कर लवा आला हज़रत ने सैयद के कदम फड़ ले फरमाया मैनु माफी दे दे तेनों तेरे नाने का वास्त माफी दे दे कयामत नु नबी करी उन्हें कहना है मिंबर ते बह के मेरी नस्ल दियां तारीफां करदा रहे है नाले मेरे पुत्रां दे कंधियां उत्ते बैठदा रहे है सैयद ने अर्ज की थी मैं गरीब हाँ हजूर मैं मजदूर हाँ फरमाया पहले लबां च बोल तू मैनु माफ कर दिता है लोगां दियां चीखां निकल गईयां सैयद ने आखिया जाओ मौलवी जी मैं माफ कीता आपने हाथ जोड़ के फरमाया इंज माफी नहीं फरमाया हुण तू डोली ते बैठ जा वक्त इमाम तेनों कंधियां ते चुकेगा नहीं ते कयामत नूं नबी करीम नूं मूंह केड़ा दिखावांगा सैयद ने बार बार आखिया लोगां भी अर्ज कीती लजपाला सैयद ने माफ कर दिता है फरमाया ना ना मेरी तसल्ली नहीं हो रही फरमाया मैं अर्ज पिया करना सैयदा तू डोली च बह जा मैं सुनिया दा इमाम तेरी डोली नूं कंधियां ते उठावांगा फिर दुनिया की निगाह ने देखिया फितरत निगाह ने वेखिया एक गरीब मजदूर सैयद ज़ादा उस डोली च बैठ गया ते आला हज़रत ने डोली कंधियां ते उठाई है नाले बरेली दी गलियां विच जा रहे नाले पर्दे जा रहे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का हुण जेड़ा नबी दी याद न करे हाथ खड़ा कर लवे मेरे नाल मिलके पढ़िए तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ने नूर तेरा सब पहचान नाम बन गया बरेलवी लिख के असि अपने आप से नाज करने क्योंकि अदब की दुनिया के शहनशाह नाल साडी निस्बत है मैं दुआगो हाँ कि अल्लाह साडी सब दी